हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रबड़ी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 1 लीटर दूध लिया, ये फुल क्रीम दूध है। ये हमने इसमें डाल दिया फुल क्रीम दूध। अब हम इसको गैस पे रखेंगे। ये हमने गैस पे रख दिया। अभी हमने फ्लेम फुल करी हुई है। जब इसको उबाली आ जाएगी उसके बाद हम इसको फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे। इसको उबाली आ गई है। अब हम इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे और गैस हमने लो मीडियम कर दिए, उस पर हम इसको होने देंगे और साइडों से भी इसको उतारते रहेंगे। सिमलाई साइड में करते जाएंगे और इसको होने देंगे। ये दूध को उबाली आ रही है, हमने सिम कर रखा है और मलाई हम साइड में करते जाएंगे इसकी और इसको हिलाते जाएंगे। इसकी मलाई जो जो आती जाएगी हम उसको साइड में करते जाएंगे और ऐसे ही इसको करने देंगे। अभी हम अच्छे से रेड्यूस होने देंगे। ये काफी रेड्यूस हो गया है। अभी ये सिम पे ही उबल रहा है, आप देख सकते हैं काफी गाढ़ा हो गया। ये मलाई भी इसमें बहुत आ गई है। अब हम इसको अभी और होने देते हैं, इसको अच्छे से करने देते हैं। अभी हमने इसको बिल्कुल गाढ़ा करना है अच्छे से, तभी ये हमारी रबड़ी बनकर तैयार होगी। ये गाढ़ा हो गया है काफी, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया ये। अभी हम इसको और चलाएंगे, और होने देंगे इसको। ये गाढ़ी हो रही है, काफी गाढ़ी हो गई है। इस स्टेज पे हम चीनी डाल देंगे इसमें। इसमें हमने 4 चम्मच चीनी डाल दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी हम इसको और होने देते हैं क्योंकि चीनी भी अपना थोड़ा पानी छोड़ेगी और इसको हमने और गाढ़ा करना है अभी, तो इसको भी हमने और सीजने देते हैं हम इसको। ये गाढ़ी हो गई है बहुत ज्यादा, चीनी हमने डाली थी ये। बस अब हम इसको 2 मिनट और पकाएंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी और गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा और पकाने के बाद दो मिनट के लिए और इसको करेंगे और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसको लगातार हिलाते रहेंगे क्योंकि अब ये लगनी शुरू हो जाएगी, तो आपको हिलाना बहुत जरूरी है इसको, नहीं तो ये नीचे लग के जल जाएगी। ये गाढ़ी हो गई है, 2 मिनट हो गए हमको। बस ये ऐसी ऐसी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी, आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम नया कंटेंट डालें तो आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।